कोरोना महामारी के बीच अब राजनीति भी हावी होने लगी है। हालांकि कोरोना के इस जंग में अभी देश आधी लड़ाई भी नहीं जीत सका है, लेकिन इसी बीच आए बयानों से साफ लगता है कि इस जंग के उस पार देश में राजनीतिक युद्ध तैयार है। कोरोना संक्रमण की इस जंग में एक और वायरस धमक गया है, जिसको भेदभाव का नाम दिया गया है। इसी बीच प्रदेश भाजपा ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। एक तरफ तो पूरा विश्व, भारत और राजस्थान कोरोना महामारी से लड़ रहा है और हमने सरकार को इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि हर संभव मदद हम उनकी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे सरकार की फितरत तुष्टीकरण की और इस पूरे मुहिम की राहत कार्यों की कांग्रेसकरण की बनती जा रही है। पहली शिकायत जयपुर से प्राप्त हुई, जिसमें एक तरफा इस तरीके से यहाँ के कांग्रेस के विधायकों ने सरकार पर, अधिकारियों पर दबाव बनाया और जिस तरीके से राहत सामग्री बांटने में भेदभाव किया, मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से उसको